प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड के बाद फरार चल रहे आरोपी सद्दाम को यूपी एसटीएफ ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। पिछले कई महीनों से वो बार बार अपने ठिकाने बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन इश्क की खुमारी के चक्कर में वो फंस गया और पुलिस ने उसे मालवीय नगर से गिरफ्तार कर लिया। सद्दाम माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ का साला है और पुलिस की ओर से उस पर 1,00,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। दरअसल आरोपी सद्दाम बरेली में खुशबू इंक्लेव में रहता था, क्योंकि उसका बहनोई अशरफ बरेली जेल में बंद था। इस दौरान वो जेल कर्मचारियों की मिलीभगत से रसद सामग्री जेल में पहुंचाता था। बरेली जेल के भी सिस्टम को सद्दाम ही मैनेज करता था। उमेश की हत्या से पहले वो बरेली से भाग गया था। 3 साल से बरेली में रहकर उसने अशरफ का काम संभाला। इसी दौरान उसे इश्क हो गया। वो अक्सर यहाँ के 100 फुटा रोड पर स्थित रेस्टोरेंट में प्रेमिका के साथ आया करता था। कई मुलाकातों के बाद सद्दाम का इश्क परवान चढ़ना शुरू हो गया और दोनों की सगाई भी हो गई। कहा जाता है कि उमेश पाल हत्याकांड में नाम आने के बाद परिवार ने सद्दाम से प्रेमिका की मंगनी तोड़ने की बात कही। इधर उसकी प्रेमिका दिल्ली शिफ्ट हो गई, जहां वो एक फ्लैट में रहने लगी। इस दौरान भी सद्दाम से उसका मिलना जारी रहा। सद्दाम अक्सर उससे मिलने दिल्ली आता था। पुलिस ने जब जांच बढ़ाई तो प्रेमिका की लोकेशन का पता चला। पुलिस से बचने के लिए सद्दाम इधर दिल्ली, कर्नाटक और मुंबई में जगह बदल बदल कर रह रहा था। 28 सितंबर को वो अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा था, उसी दौरान उसे पकड़ लिया गया। उसके दुबई भागने की भी खबर आई थी, लेकिन पूछताछ में उसने इससे इनकार कर दिया है। सद्दाम ने दुबई की पुरानी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करके पुलिस को भटकाने की कोशिश की थी।